नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज हम बात करेंगे धन योग की, कि आपकी कुंडली देख के ये कैसे बताया जा सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस लाइफ में कैसी रहेंगी। तो उसके लिए कुछ घर होते हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहला घर जो है वो है दूसरा घर, सेकेंड हाउस। उसके बाद है फिफ्थ हाउस, उसके बाद नाइन्थ हाउस और उसके बाद इलेवेंथ हाउस। सेकेंड हाउस जो होता है वो होता है सेल्फ अर्न्ड इनकम का घर, यानी कि वो पैसा जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है। तो सेल्फ अर्न्ड इनकम के लिए हम सेकेंड हाउस को देखते हैं कि सेकेंड हाउस की पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि आप खुद तो नहीं कमा रहे हैं, पर आपके आसपास के लोगों की इनकम इतनी अच्छी है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी है। तो वो भी कैसे एनालाइज करेंगे, उसके लिए जैसा मैंने कहा सेकंड हाउस के अलावा फिफ्थ हाउस को देखेंगे। फिफ्थ हाउस जो है उसको हम लिंक करते हैं पिछले जन्मों से, पूर्व पुण्य कहते हैं। तो आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे वो इस जन्म में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को डिटरमिन करता है, उसके लिए हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। फिर आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस जो है वो भाग्य स्थान है, लक का घर है। अगर लक सपोर्टिव नहीं होगा तो पैसे आने में दिक्कत होगी। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आता है इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस या ग्यारहवां घर वो लाभ स्थान होता है, प्रॉफिट का घर होता है। लाभ, किसी भी तरह का लाभ, जरूरी नहीं है पैसे का ही, जमीन जायदाद का लाभ हुआ, वाहन का लाभ हुआ, किसी भी तरह के गेन को, किसी भी तरह के प्रॉफिट को अगर हमें लाइफ में देखना है तो हम इलेवेंथ हाउस को देखते हैं। तो अगर इन चारों घरों का कॉम्बिनेशन कनेक्शन आपकी पत्री में स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो बहुत अच्छी होंगी, बहुत बेटर होंगी। अब मान लीजिए अगर इनका कॉम्बिनेशन या इनका कनेक्शन जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है तो हम क्या करें। तो इन दैट केस हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह या कौन सा घर जो है वो कमज़ोर हो रहा है। मान लीजिए आपका सेकंड हाउस अच्छा है, आपकी सेल्फ अर्न्ड इनकम अच्छी है, पर आपका फिफ्थ हाउस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, या नाइन्थ हाउस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसकी रेमेडीज करके उन घरों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे कि आपको उसका सपोर्ट मिले और आप जो है फायदा उठा सकें। इन चार घरों के अलावा हम आठवें घर को भी देखते हैं, क्योंकि आठवां घर जो है वो हमारे इनहेरिटेंस का घर है। हमें विरासत में क्या मिलेगा, हमें विरासत मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये जो है एट्थ हाउस की स्थिति जो है हॉरोस्कोप में वो बताती है। इसके अलावा बहुत से और योग बनते हैं जैसे कि गज केसरी योग या लक्ष्मी योग। एक दरिद्र योग भी होता है जो कि ये बताता है कि जी मैं कितनी भी मेहनत करूं पर फाइनेंशियल कंडीशंस मेरी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। उन योगों के बारे में मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपसे बात करूंगी। आज मैंने जैसे आपको बताया धन योग के लिए ये चार ग्रहों का कनेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा शुक्र और गुरु, वीनस और जुपिटर जो कि कारक हैं धन समृद्धि के, प्रोस्पैरिटी के, तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अगर लक्ष्मी सूक्तम या श्री सूक्तम का पाठ रोज करें तो उससे आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। और ये जो चार घर मैंने आपको बताए हैं इनको भी हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं कुंडली के अंदर। तो अगर इनमें से कोई भी घर आपका कमज़ोर होगा तो श्री सूक्तम या लक्ष्मी सूक्तम करने से आपके ये घर भी जो धन योग के जो स्थान है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस जो है वो इम्प्रूव होगी। उसके अलावा जुपिटर जो कि ग्रोथ का, एक्सपेंशन का ग्रह है, तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थर्सडे वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन पीली चीज का दान जरूर करें। या गुरु के जो कारक हैं जैसे कि बड़े बुजुर्ग आपके घर में हैं,
स्पेशली मेल बड़े बुजुर्ग और जो टीचर लोग हैं, जो आपके गुरु सामान्य लोग हैं या ऐसे मेंटर हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ आप देखते हैं कोई गाइडेंस के लिए, उनको हम गुरु मानते हैं, तो ऐसे लोगों की अगर आप सेवा करेंगे या ऐसे लोगों की आप हेल्प करेंगे तो आपका गुरु स्ट्रांग होगा। तो गुरु और शुक्र को स्ट्रांग करने से हम जो है हमारी कुंडली में जो धन योग हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।